केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने हल्द्वानी में पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने अगले 100 साल की नींव रखने वाला बजट पेश किया है और रक्षा के क्षेत्र में 5.94 लाख करोड़ रुपए का बजट रखा गया है, जो कि देश की आत्मनिर्भरता और रक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के सर्वांगीण विकास के लिए यह बजट दिया गया है। अजय भट्ट ने कहा कि इस बार हर क्षेत्र में बजट को बढ़ाया गया है। वहीं पर्यटन के क्षेत्र में स्वदेश दर्शन और प्रसाद योजना के अंतर्गत राज्य के द्वारा भेजे जाने वाले प्रोजेक्टों के लिए भी केंद्र सरकार तत्काल बजट जारी कर रही है। ऐसा ही कई अन्य योजनाएं भी जल्द संचालित की जाएंगी। उड़ान योजना बंद होने के बाद 15 अगस्त हवाई सेवाओं को भी पर्यटन के क्षेत्र के अंतर्गत रखने की बात केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कही। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। किसी भी विभाग का बजट घटा नहीं है, हर विभाग का बजट बढ़ा है और कुछ ऐसे विभाग हैं जिसमें तो एकदम से बजट जंप किया है। युवाओं के लिए, माताओं बहनों के लिए, आदिवासी इलाकों के लिए, कृषि क्षेत्र में, अब आप देखिए कि जो हमारे फिशरीज का काम करते हैं उनकी तक हमारी सरकार ने बहुत बड़ी संख्या में बजट में बढ़ोतरी करी है।